वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिश्रा, मेरे साथ सौरभ है। सौरभ, अपनी कहानी अपने मुंह से बताओ। मैं सौरभ हूँ। मुझे बचपन में चोट लग गई थी पैर में, उसकी वजह से काफ़ी 2-3 बार ऑपरेशन हुआ, तो उसकी वजह से पैर छोटा हो गया मेरा, यानी डिसबैलेंस हो गया पैर में। उसकी वजह से बैक में भी डिसबैलेंस आ गई, जिस पे स्पाइन में बहुत दिक्कत हुई मेरे को। तो मैंने एक ऑर्थोपेडिस्ट को दिखाया तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आपकी बोन लेंथनिंग होगी। तो फिर बोन लेंथनिंग का मतलब ऑपरेशन, तो घर वाले भी राज़ी नहीं हुए, मैं भी नहीं। तो फिर मैंने सर की एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, ऐसे ही एडजस्टमेंट कर रहे थे सर, जैसे मेरा केस है। तो उस वीडियो के थ्रू मैं सर के पास आया, अभी मेरा सर एडजस्टमेंट कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी देखते हैं और कितना क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड बता दूंगा। जिन लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि लेंथनिंग ऑफ बोन करते हैं, तो मैं सबको ये बताऊं कि बहुत सारे कम लोग जानते होंगे जो इस टेक्निक को मास्टरी कर चुके हैं या जिन्होंने लाइफ में एक भी ऐसी बोन लेंथनिंग प्रोसेस किया है, तो उनसे एक बार पूछ लेते हैं। और अगर एक प्रोसेस भी किया है तो उस पेशेंट का एक बार कॉन्टैक्ट तो रहेगा ही ना कि मैंने किसका किया। अगर मेरे पास कमर दर्द के आएंगे, मैं 50-10 हज़ार लोगों के होंगे, है ना। लेकिन अभी तक 10 हज़ार लोगों के तो नाम याद रखना मुश्किल है, बट अगर किसी की मैंने टांग का कुछ अलग हटके किया होगा तो नाम याद होगा, तो वो पूछ लेते हैं कि आपने किसका किया, मैं मिल लूँ। तो मैंने जितने भी आज तक बोन लेंथनिंग प्रोसेस, जिसको एलिजारो टेक्निक बोलते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, हड्डी को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद इसमें हड्डी नई बनना चालू होती है और उस हड्डी नई बनने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बट एक चीज़ हम सबको पता है कि कई बार हड्डी तोड़ने के बाद वो हड्डी जुड़ते ही नहीं है, जिसको नॉन यूनियन बोलते हैं, है ना। तो नॉन यूनियन की वजह से कई बार इन्फेक्शन की वजह से वो सारी रिजेक्ट हो जाती हैं या दिक्कत हो जाती है। मैं ऐसे कई केसेस को जानता हूँ, बहुत अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टरों ने वो सारी टेक्निक की है। ये टेक्निक पहले तो बहुत 60s से है, ये एलिजारो एक रशियन टेक्निक है। एलिजारो एक रशियन डॉक्टर थे जिन्होंने ये टेक्निक की थी और उस टाइम पे प्रैक्टिस होती थी, कई लोगों पे सक्सेसफुल भी हुई और ओवर ए पीरियड धीरे धीरे ये टेक्निक कम या ना के बराबर यूज में आती रही। तो जब इनका एक पाँव 1 इंच छोटा है, सिंपल सी चीज़ें, मैं उस जूते के नीचे 1 इंच का रेस दे दूंगा। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि आप टांग बड़ी कर देते हो, तो टांग बड़ी मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, वरना 1 करोड़ रुपये ले लेता ना। बिल्कुल, है ना। तो ये वहम कोई पाल के ना है कि मैं एडजस्टमेंट करूंगा और टांग लंबी कर दूंगा। 99% लोग यही फोन सोचते हैं जी, बिल्कुल, है ना, कि टांग लंबी नहीं हो सकती। एलिजारो टेक्निक हो या कायरोप्रैक्टिक सेशन हो, टांग के लिए आपको जूते के नीचे, सिंपल सी चीज़ है, ये बेचारा 1 साल बेड पे लेटा रहे, उससे बेटर है कि 1 इंच जूते के नीचे रेस लगा ले। लेकिन इसकी वजह से स्पाइन में बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो जाते हैं, पाँव के शेप बदल जाती है। तो हम कुछ आर्चेस बना के दे सकते हैं, शू में रेस दे सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं इनको 5-10 दिन, जो भी अगर स्पाइन में जो ऊपर नीचे हुआ उसके लिए थेरेपी के लिए बुला सकते हैं। यही तरकीब अपनाई जाती है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है। इसको फॉलो कीजिए, आपको आराम मिलेगा, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये जिम करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। शादी भी हो गई जी? ओके, चलो फिर तो वो भी दिक्कत नहीं है, और लेटेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखो, अब इसमें कितना इंप्रूवमेंट होता है हम वो भी देख लेंगे। बट इनके साथ में एक और चीज है बताना चाहूंगा मैं, कि इनका वजन जो छोटी टांग है उसी पे सारा पड़ता है, इस टांग पे वेट प्रॉपर नहीं पड़ता। तो जो इनका ये साइड होगा, मैंने अभी किया नहीं है बट मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि इस साइड का जो जॉइंट है वो खोलना मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है ये फ्यूज़ हो गया हो, यानी आपस में जुड़ गया हो। बट मैं अपर बॉडी और इस तरफ का खोलने की पूरी कोशिश करूँगा, देखता हूँ। रिलैक्स करेंगे, छोड़ेंगे, इनका तो ऊपर स्पाइन भी नहीं खुल रहा, थोड़ा सा खुला, इजी ब्रीथ आउट, रिलैक्स, छोड़ेंगे, टर्न करेंगे मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, छोड़ देंगे,
इस तरफ खुलना ही था जो मैंने कहा था, दूसरी तरफ खुलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इजी करो, ये भी खुल गया, यानी कि मैं गलत हुआ। सीधा जाओ, छोड़ देंगे, ये तो खुलना ही था। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाओ, दोस्तों मैं आपको जादू दिखाता हूँ, देखता हूँ इनकी टांग लंबी हुई है या नहीं हुई है, दोबारा चेक करेंगे। हो सकता है टांग लंबी हो सकती है सौरभ? हाँ बता। आप कर रहे हो तुम सर, बिल्कुल। कोई बोल सकता है टांग छोटी बड़ी है उतनी जितनी पहले थी? है, ये अंगूठा यहां तक जा रहा है, ये अंगूठा यहाँ तक आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। बट अगर मैं यहीं से इसको इस तरह से दिखाता आप लोगों को, तो आप लोग गलतफहमी में आ जाते। है ना, वीडियो में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता? तो हमें, हम तो गलत चीज ना दिखाएंगे ना बताएंगे, बट तब भी उल्टा लेटेंगे। एक बार उल्टा लेट जाओ, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि जॉइंट के एडजस्टमेंट से इसमें थोड़ा सा फर्क आया है, बट एक इंच तो एक इंच रहेगा, जैसे खड़ा होगा सारी चीजें वापस आ जाएंगी। देखो सौरभ आया है बुराड़ी से, मैं आया हूँ यहीं साउथ दिल्ली से। वीडियो दो यंग लड़के जिनको परेशान करते रहते हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, बेचारी मेहनत करेंगे, और आप लोग एक लाइक भी नहीं कर सकते, है ना, एक शेयर भी नहीं कर सकते। अब आप लोगों को चाहिए ही कोई घटिया सी टेलबोन वाली वीडियो, है ना, और आप लोगों को चाहिए कोई मॉडल वाली वीडियो, तो वो आपको हमसे तो मिल नहीं सकती। अगर कोई जानता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना, है ना। ऐसी वीडियो आपको उन्हीं के भी चैनल पे मिलेगी जिन पे मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके बेचारे के 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, उनके पास जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। लाइक कीजिएगा, देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।